मैं क्या कह रही हूँ? क्या कह रही हो? कपड़े धोने का पाउडर खरीद लेते। यार तुम्हारे साथ यही समस्या रहती, कहीं चलो बस पाउडर खरीद लेते तो। हाथ पकड़ लो हमारा। मुझे कोई हाथ वाथ नहीं पकड़ना है तुम्हारा। अच्छा ठीक है भाई, है लेकिन तुम्हारी आदत अक्सर यही है, कहीं चलो तो तुम सामान खरीदने का जो है ना लिस्ट पहले निकालने लगती हो। चलते चलते बोलना जरूरी है तुम्हारा। हाँ हाँ बिल्कुल बोलना जरूरी, क्यों ना बोलूँ तुम्हारा। अरे दिन दहाड़े यहाँ चोरी हो गई, तुमको कितनी बार मैंने समझाया कि अपने जेवर जो है ढक के चला करो, लेकिन नहीं। अरे यहाँ बातें मत करो, जाके उसको पकड़ो। अच्छा ठीक है मैं जा रहा हूँ। जा, ये भी बतख की तरह ही दौड़ते हैं। तीनों मिलके जो है हमारी फाइल में घुस रहे हैं कि केस सॉल्व करेंगे युवराज सारे। सॉरी नहीं, खड़ा रहे बस। अरे बोलो मत चलो ना। एक्सक्यूज मी, मैं यंग हूँ। अच्छा है भाई, चल झूठे अंकल जी, बहुमत से जीते हो तुम। देखने में हो रहे 50+ के और कह रहे हैं मैं यंग हूं। मैडम भी धोखा खा गई। अरे मैडम जी, अरे मैं देखने में 50 का हूं लेकिन मैडम जी मैं हूं 26 का। हाँ ऑटो करो यार। वाला एक्सक्यूज मी, ब्यूटी इज द, मैं बीवी की करता हूँ ड्यूटी इज द। अरे मैं इनकी बीवी हूँ पिंकी, हनीमून पे जाना है। आपको हनीमून पे जाना है और ये आपके पति आपको हनीमून पे नहीं लेकर जा रहे, समझ गया? ना, समझ गया मैडम मैं। मतलब ये अवला मजलूम नारी यहाँ पर बिचारी इस बात की FIR लिखवाने आई है कि इसे हनीमून पे जाना है लेकिन पति हनीमून पर लेकर नहीं जा रहा है, है? अरे नहीं भाई साहब, अरे हम लोगों ने हनीमून जो है गोवा में मना लिया है। ऑटो करो यार, हम यहाँ पे जो है ना FIR लिखवाने आए हैं। मैडम जी बात दरअसल ये हुआ कि हम अपनी पत्नी के साथ जो है ये अपना ये कहना चुटपुटियागंज ऑटो स्टैंड पे उतरे और जो सुना सामने का रास्ता था उस पे हम आगे बढ़े। बस मैडम तभी अचानक जो है एक नकाबपोश आया और हमारी बीबी का हार खींच कर भाग गया। अरे मैडम जी हमने उसका पीछा किया, पता नहीं वो कहाँ जो है गुल हो गया। ऑटो करो यार। क्या बात कर रहे हो, कब हुई, कहाँ से हुई, कैसे हुई, किसने की, क्यों की, किस कारण से की, तुमने तो नहीं करवाई, तुम्हारा कोई हाथ हो सकता है, कोई तो बात हो सकती है इसमें, तुम्हारा भी कोई ना कोई ले। सॉरी मैडम। अबे कौन सूरमा पैदा हो गया हमारे इलाके में जो चेन स्नेचिंग की हैबिट रखे है, लोगों के गले से लेडीज के जो है छीन रहा हार वगैरह। अरे मैडम उस चोर को पकड़िए, वो जो हार है ना वो गुल्लू की निशानी है, हनीमून पे जाना है। वाला एक्सक्यूज मी बेबी, हुदा शीदा गुल्लू इज द, मेरी सास मुझे कहती है गुल्लू इज द। चुल्लू मैं। चलो भाई केस आगे बढ़ाओ, कौन अभी गुल्लू कौन है? गुल्लू गुल्लू है ना मेरे मायके में मेरे घर के सामने ना पान की दुकान लगाता है, हनीमून पे जाना है। जाओ जरा जाके देखो कहाँ और कैसे, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। अच्छा तो ये वो जगह है जहाँ चोरी हुई है? यस। ऑटो करो यार। ऑटो? अरे नहीं, अरे ऐसा नहीं, पूरी बात तो होने दो, हमारी कमाल है यार तुम भी है। देखो साहब वो क्या है कि हम और हमारी बीबी वहाँ उतरे और वहाँ से हम लोग पैदल चल के आ रहे थे और यहाँ से ये जो रोड है वो सामने जा रही थी। वेल काके, ये रोड जा नहीं रही, रोड इधर आ रही है। अरे नहीं नहीं दादाजी, ये रोड जो है ना उस तरफ जा रही है।
अरे यार मैंने कहा ना जानी रही इधर आ रही है। एक मिनट मैं अभी कंफर्म कर लेता हूँ कि ये रोड जा रही है कि आ रही है। ये रोड जो है वो जा भी रही है और फिर आ भी रही है। देखा मेरा दिमाग हो गया। अरे दिमाग वाले भैया ये रोड रोड छोड़िए और चोर का पता लगाइए। अगर मैं मायके गई और मेरे गले में हार नहीं मिला तो मैं गुल्लू पान वाले को क्या मुंह दिखाऊंगी। हनीमून पे जाना है। अच्छा गुल्लू पान वाले की तुम्हें कुछ ज्यादा ही पड़ी है। ऑटो करो यार। चुप करो यार। कौन हो सकता है यार ये गोपी। वेल गुलगुले शायद तुम गए हो भूलिसदा। इस इलाके में रहता है मशहूर गुंडा कपिल कूलिसदा। अरे हाँ कपिल कूल वही ना ये जो चेन बटवा पर्स सब मारने में एकदम माहिर है। या जाके मम्मी जी को करते हैं इन्फॉर्म इसदा कहीं होना ये कपिल कूल का काम इसदा। सही कह रहा है गोपी। बिल्लू कहाँ गया। ओह माय गॉड्स लगता है फिर से गया है वो भूल इसदा असूल इस असूल इसदा वसूल इस वसूल इसदा। अबे भूल गया कि वो पुलिस वाला और वो लुटेरा बन के भाग गया। चलो चलो चौकी चलो चलो आओ। इसका तो यो मतलब है कि यो काम वो कपिल कूल का हो सके। बिल्कुल मैं चौड़ाला इन दोनों ने जब हमें इन्फॉर्मेशन दी तो हमने वो कपिल कूल के बारे में इन्फॉर्मेशन निकाली और परफ्यूम कौन सा लगाया आपने चौड़ाला। अच्छा अच्छा ना हमें पता चला कि कपिल कूल 3 दिन पहले ही जेल से छूटा है बस। वेल कपिल कूल ने मचा रखा है आतंक इसदा वो सबको कर देगा तंग इसदा। मैडम जी नमस्ते। हम कुछ नहीं समझते झोला झारखंड का है। अबे तो तू कहाँ का है बुंदेलखंड का कि उत्तराखंड। अरे बुंदेलखंड की तो मैं हो रखी हूँ मैडम। मैडम मेरा नाम मंजू अग्रवाल है बांदा मेरी ससुराल है। अच्छा मैडम एक बात बताओ आप भी बुंदेलखंड की हो रखी हो क्या। बुंदेलखंड में कहाँ की हो। हाँ झांसी महोबा हमीरपुर बांदा अतर्रा बताओ तो सही कहाँ की हो। मेरा नाम मंजू अग्रवाल है बांदा मेरी ससुराल है। अरे अपने मुंह का शटर बंद रखेगी जहाँ देखो रिश्तेदारियाँ निकालना शुरू कर देती है। मैडम रास्ते में ऑटो रिक्शे वाले से भी इसने रिश्तेदारियां निकाल निकाल के उसकी साली बन गई और हमें बना दिया उसका साधु भाई। साधु भाई झोला झारखंड का है। अरे बस करो यार बस करो हम पहले से इतने कंफ्यूज है ऐसे ऐसे नाम ले रही जगहों का हमें पता ही नहीं है ज्योग्राफी सिखा रही हमको। और ये दूसरा झोला लेकर सब्जी मंडी आ गया बेचने सब्जी। ना ना भैया हम सब्जी खरीदने ना आए हम तो बैठे बिठाए लूट गए बस यूं ही। एक मिनट भैया मेरी तरफ देखिए। हैं ऊपर देखिए मैडम की तरफ देखिए नीचे देखिए इनकी शक्ल कितनी जानी पहचानी लग रही है। वो क्या है कि मेरी ममेरी बहन है ना जो कानपुर में भी आई है उसका देवर कतई तुम्हारी शक्ल का हो रखा है भैया सच्ची। अच्छा कानपुर में तुम कहाँ के हो। घास मंडी चौराहा घंटाघर किदवई नगर कानपुर। कानपुर में तुम कहाँ के हो बताओ तो सही। कानपुर का टिकट कटा दूं। ओए मां हैं दौड़ती भी जा ट्रेन के मालगाड़ी के पीछे भग ले तू। जेल करवाएगी क्या। कानपुर पहुंच ले पता कर ले वहीं जाके। Well, what is the problem is the Delhi mein शाहरुख खान का पुराना घर is the क्या क्या है गुलगुले दिल्ली में कुतुब मीनार is the हाथ में पकड़ते पंखा है हवा खाई है बस।
टेक योर टाइम. फिनिश फिनिश फिनिश. पागल खाना इज द आईपी कॉलेज इज द दिल्ली में एयरपोर्ट पालो में था. थैंक यू ब्रो. अरे दादाजी प्रॉब्लम ये है कि हम चितपुटिया गंज ऑटो स्टैंड पे अपनी पत्नी के साथ ऑटो से उतरे. अब आगे गली है चूड़ी वाली, वहां हमारी सौतेली साली रहती है, उसके बेटे का मुंडन है. हम वहां जा रहे थे तो अचानक एक नकाबपोश आया और हमारी पत्नी के कान के झुमके छीन के भाग गया. झोला झारखंड का है. मैडम लीजिए लीजिए मैडम, एक और घटना घट गई है मैडम, वो भी सेम एरिया में. मैडम इस कपिल कूल का कुछ करना होगा, इसे रोकना होगा मैडम, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी. इस कपिल कूल का टेंशन ना लो मुझे डाला. हम लेकर आते हैं इसे, कान पकड़ कर चौकी लेकर आते हैं इसको भी. ठीक है सर, ये सही रहेगा. क्या बात है सर. रोजी तुम जाके जरा मेरे लिए कॉफी बनाओ. भूला ओबिल्लू आ गया आपका लवर. क्यों बे गधे नलायक उल्लू पाजी, हजार बार तुझे समझाया कि पढ़ाई पे ध्यान दे ले दे ले दे ले, लेकिन तुझे कंचे खेलने से फुर्सत नहीं है. आज फिर तेरी जेब से ये मिले. तीन बार हाई स्कूल में फेल हो चुका है, तीन बार. गोबर भरा दिमाग में तेरे, गोबर. ने बाप को घूर घूर के देख रहा है बेशरम नलायक. अबे तू रुक अंदर हमारे कैबिन में जा, हम तेरे साथ कंचे खेलेंगे. सर सर. अरे सर छोड़िए ना उसे आप. सर कंचे खेलेंगे. सर प्लीज काम डाउन हो. ये कुछ हैं आपके पुराने जन्म के बुरे कर्म जो आ रहे हैं सामने. आप उसको पकड़ के लाइए सर, कपिल गूल को. और हाँ इसको लेके जाइए पालम एयरपोर्ट को. और सुन गुलगुले जी, तू जा और वो दोनों ऑटो वालों ने लेकर आ जिनमें ये और वो दूसरी वाली पार्टी बैठी थी, और पहले वाले कपल को भी लेकर आ आइडेंटिफाई करने के लिए. जे! कपिल कोल दबा था बे, जाएंगे कैसे. अबे क्या कर रहे हो बे. एनीवेज भागने की कोशिश मत करना, हम दोनों ने तुम्हें चारों ओर से घेर लिया है. वेल ब्रो डोंट रन इज द, हमारे पास है गन इज द. अबे गर्मी लग रही है और तुम कांप रहे हो बे. किस तरह कांप रहे हो, क्या क्या कर. हमारा खौफ इतना फैला हुआ है कि लोग हमारा नाम सुन के ही कांपना शुरू करते अजीब अजीब तरीकों से. अरे नहीं नहीं, मेरा नाम है कपिल कूल क्योंकि मुझे ठंड बहुत लगती है मई के महीने में. वेल अब लगेगा और ठंडा इज्जा जब पड़ेगा मम्मी जी का डंडा इज्जा. अरे वाह. अरे दादाजी मैंने क्या किया है? अरे अभी अभी तो जेल काट के आया हूँ कुछ दिन पहले मई के महीने में. अबे तुमने क्या किया है क्या नहीं किया है चौकी आगे सब पता चल जाएगा. चलो चौकी चलो. ऐसा है इंस्पेक्टर साहब, यूं वर्दी पहन के तो कोई भी मुझे चौकी ले जा सकता है. अरे दम है तो वर्दी उतार के आओ और फिर ले जाके दिखाओ चौकी. अबे बजरंग पांडे को सबके सामने धमकी है? ये पकड़ो गोपी, ये लो उतार ली हमने वर्दी. Excuse me? अबे क्या बे पूरी वर्दी उतार दूँ क्या बे? हैं? नंगा पुंगा लड़ूँ उसके साथ? Excuse me, बिना सोचे excuse me. आ जाओ, come on, कपिल कूल. और एक बात आज हमसे सीख लो कपिल,
जब लड़ते हैं ना तो बात नहीं करते, समझे? सीधे अरे सर, व्हाट इज दिस इज द, आपकी हो गई है टाए टाए फेस इज द, अब मैं क्या कहूं इज द, आप मम्मी जी को क्या दिखाएंगे मुंह इज द। पहचानो ऐसी डील डाल वाला आदमी था जिसने जो है थारी चेन वो हार वार खींच लिया और इसके झुमके फाड़ लिए। अरे मैडम, वो इतना लंबा और चौड़ा नहीं था, वो तो एकदम पतला था, हनीमून पे जाना है। अच्छा, इतनी सी देर में तुमने उस आदमी को इतने गौर से देख भी लिया? चुप रहो, आटा करो यार। वैसे मैडम सच कहूं, ये वो आदमी ना हो सके। मेरा नाम मंजू अग्रवाल है, बांदा मेरी ससुराल है। मैडम वैसे एक बात कहूँ, इसकी शक्ल देख के ना मुझे अपने ममेरे भाई के साले की याद आ रही है, वो भी ऐसा ही है निखट्टू, अरे जो बरेली में रह रहे। वैसे भैया तुम तो बरेली में ना रहो, अब मेरा मतलब है बरेली, बांदा, रामपुर, अलीगढ़, कालपी साइड में तो ना रहो, बताओ तो सही कहाँ रहो तुम? अरे ओ मंजू बरजातिया, हम साथ साथ हैं, फैमिली ट्री, वी लव इच अदर। अबे ज्यादा दीदी के देवर ना ढूंढने की जरूरत ना है, जितना कह रही हूँ उतना सुन ले, पूछ लिया जो जवाब दे ले। देख ले इसी डील डॉल वाला आदमी था नहीं था? नहीं नहीं मैडम, ये वैसा नहीं दिखता, झोला झारखंड का है। अरे मैं छोड़ा, हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं इन पागलों के साथ, हम कह रहे ये दो चार हाथ मारेंगे सब उगल लेगा ये। अरे नहीं 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 मैडम, मैं सच कह रहा हूँ, मई के महीने में। अरे मैंने कोई चोरी नहीं की है, मेरा तो उसूल है, मैं जेल से आने के बाद एक महीने कुछ नहीं करता, आराम करता हूँ। अभी 3 दिन पहले जेल से आया हूँ, अब 27 दिन के बाद देखना मैं कैसी धगा पे चोरियां करता हूँ। अरे मैडम दरअसल बात ये है, ये जो लड़की है ना ये मेरी बीवी है, क्या करूं? और मैं इसका हस्बैंड हूँ, क्या करूं? अरे इसको मैंने सोने का नेकलेस दिलवाया था जिसे पहन के ये मेरे साथ मेरे दोस्त के घर खाना खाने गई थी, क्या करूं? ओ खाने में गए थे दोस्त के यहाँ, फिर तो कुछ अच्छा बना होगा खाने के लिए, नहीं मतलब पनीर तो बना ही होगा, और पनीर के साथ क्या था, मतलब पूरी थी या कचौड़ी, और पकोड़े थे या पकोड़ी, मतलब क्या? अबे यार इतने सारे काम छोड़ के ना थारे पे तवज्जो दूं, इतना टाइम ना अपने हिसाब से एक लगा ले अपनी जजमेंट पे। सॉरी, कहाँ क्या हुआ तुम्हारे संग, कहाँ हुआ ये कांड? मैडम वो जो घटना है ना वो चिटपुटियागंज के ऑटो स्टैंड के पास हुई, चाइना गेट ओपन है। ओ एक और लड़की लुट गई, उसके जेवर चोरी हो गए, वो भी चिटपुटियागंज में। वेल मॉम, कपिल कुल यहाँ है, बात है काबिले गौर इज्दा, इसका मतलब ये काम कर रहा है कोई और इज्दा है। हाँ मैडम, मुझे भी ये कपिल कुल शक्ल से बहुत ही सीधा भोला शरीफ दिख रहा है मैडम, ये नहीं हो सकता। लेकिन हो ना हो, वो जो भी है वो सिर्फ औरतों को अपना निशाना बना रहा है, उसको पकड़ने के लिए मुझे तो जाना ही पड़ेगा मैडम। मुंह जरा बंद कर ले, दूध के दांत दिख रहे हैं सबको यहाँ थारे। अबे वो कहाँ है दोनों ऑटो वाले जिनकी में बैठ के वो चारों लोग गए थे, हैं? अब तो तीसरे वाले को ही बुलाना पड़ेगा इनके वाले को। वेल मॉम, आ गया है ऑटो वाला इज्दा, मेरे बटुए से पैसे चुरा ले गया मेरा साला इज्दा। पैसे तो कुछ मिले ना होंगे। अबे दो ऑटो वाले बुलाए थे भाई, ये तो एक है, दूसरा कहाँ है? अरे सर ये वही ऑटो वाला है जिसमें हम बैठे थे, हनीमून पे जाना है। हाँ हाँ। अरे हाँ, अब पहचाने मेरी इसकी शक्ल, यही है वो जिसके ऑटो में हम बैठे थे और जिसकी मैं साली बन गई थी। मेरा नाम मंजू अग्रवाल है, बांदा मेरी ससुराल है। अरे हाँ, ये तो वही ऑटो वाला है जिसके ऑटो में हम भी बैठे थे, चाइना गेट ओपन है।
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.